सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं अपने घर। तो हम आए थे पहले कोटा जंक्शन। कोटा जंक्शन पे आने के बाद हमें जाना होता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो हम लोग चढ़ जाते हैं सीढ़ी पर और सीढ़ी से चढ़ते हुए हम लोग चले जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ ही रही होती है। तो हम लोग देखते हैं सीधे डिस्प्ले पर, जहाँ पे हम लोगों के गाड़ी का वो आ जाता है नंबर। देख सकते हैं 12945 जो कि वेरावल से चल कर आ रही है बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो हम लोग जनरल डब्बे के सामने खड़े हुए हैं। फिर हम लोग चढ़ते हैं इस डिब्बे में। डिब्बे में चढ़ने के बाद हम लोग सफ़र का इंतजार करते हैं और रात भर सोते बैठते उठते पहुँच जाते हैं सीधे अपने स्टेशन। तो यहाँ पर हम लोग बीच के सफ़र का अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग रात के 2 से 3 बज गए होंगे, क्योंकि सुबह होने वाली है। और उसके बाद सफ़र को देखते, क्योंकि हमारे पास में 2 जन खेल रहे होते हैं लूडो। और लूडो में जो 2 ही बार ये जो हमारे बाएं साइड के हैं वो 2 बार जीतते हैं। उसके बाद हम लोग इधर इधर कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी इधर से उधर देखते रहते हैं। भीड़ इतनी नहीं थी लेकिन भीड़ थी। ये हो जाती है सुबह। और सुबह देखते हैं कि कभी कोहरा होता है और ठंडा होता है माहौल, क्योंकि सुबह ठंड होती है यूपी में। चूँकि कोटा में भी है, कोटा में इसकी डबल थी लेकिन यूपी में थोड़ी ठंड थी। ठीक है। और सुबह होती है क्योंकि धूप निकल आता है, और धूप निकलने के बाद थोड़ी सर्दी कम हो जाती है। तो हम लोग अपना टोपी उतार देते हैं और आ जाते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज हम लोग पहुँच जाते हैं और उतरते हैं सीधे स्टेशन पर। और ये हमारी गाड़ी का नंबर है। तो आ जाते हैं प्लेटफॉर्म प्रयागराज जंक्शन पर, जो कि अपना शहर का जंक्शन है। यही मेन जंक्शन है, यहाँ पे सभी गाड़ियाँ आती हैं। हम लोग उतरे थे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और ये मैम, तो थोड़ी सी सेल्फीबाजी हो जाती है। और इसके बाद हम लोग फिर इस तरह से बढ़ते हैं सीधे बाहर के रास्ते की तरफ। तो हम लोग चल रहे होते हैं, तो देख सकते हैं हम लोग चढ़ रहे हैं और आ जाते हैं सीधे ब्रिज पर। और ये देख सकते हैं कि स्टेशन के बनने का काम भी चालू है। तो स्टेशन का काम भी बनने का चालू है अभी। और देख सकते हैं ये अपना प्यारा शहर प्रयागराज। तो देख सकते हैं अभी स्टेशन काफ़ी चौड़ा भी किया गया है और इसकी लंबाई भी बढ़ाई जा रही है। तो क्या अब हम लोग चलते हैं सीधे स्टेशन के बाहर। और स्टेशन के बाहर हम लोग चलते हैं सीधे। फिर हम आ जाते हैं सीधे जीरो रोड पर, चढ़ते हैं बस में। तो अब चढ़ जाते हैं बस में और लेते हैं टिकट। तो हमने टिकट ले ली है, जो कि हमें पड़ी है 60 रुपये की। और हम लोग सीधे नैनी ब्रिज से होते हुए फिर चले जाते हैं अपने घर। क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज काफ़ी हो गई थी फुल, तो इसको हम थोड़ा कम ही में रखा है। और